तुम्हारी क्वालिफिकेशंस, तुम्हारा ये जॉब एक्सपीरियंस देखने के बाद तुम्हें इस नौकरी के लिए सेलेक्ट किया जाता है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तुम्हें तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर कल मिल जाएगा। मुझे इंतजार रहेगा, मैं अपना काम पूरी लगन से करूंगी। मुझे भी यकीन, तुम जा सकती हो। थैंक यू मैम। बाजी, ये लड़की हमारे काम की है। होगी, लेकिन बिजनेस संभालने के लिए हमें लड़की की नहीं आदमी की जरूरत है। औरत जात बिजनेस नहीं संभाल सकती। तो क्या रूबी औरत जात नहीं है? इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर वो खुद ही तो संभालती थी। ये और बात है कि उसकी तरह काबिल लड़की हमें नहीं मिल सकती। तुम कितनी भी तारीफ करो, मैं रूबी को वापस नहीं बुलाऊंगी। ठीक है, रूबी ने सही, लेकिन कोई और लड़की तो मिल सकती है ये बिजनेस चलाने के लिए। मर्द के मुकाबले में औरत ज्यादा मेहनती और वफादार होती है, और बेवकूफ भी। औरत जज्बात में आकर बेवकूफी कर बैठती है, और आदमी दिमाग से काम लेता है। अगर इंटरव्यू के लिए और कोई मेल कैंडिडेट नहीं है तो इंटरव्यू कैंसिल करो, टाइम बर्बाद मत करो। और जिस लड़की को तुमने सेलेक्ट किया है वो सिलेक्शन कैंसिल, और सारे लड़कियों से कहो वापस चले जाए। मैं इंटरव्यू के लिए आया, जुल्फिकार मेरा नाम है और ये मेरा बायोडाटा है। सॉरी, इंटरव्यू का वक्त खत्म हो चुका है और शायद सिलेक्शन भी हो चुका है। शायद, that means you're not sure, and that means there's a chance. Can you please do me a favor? मेरा बायोडाटा आप मैडम को जाकर दीजिए, और मेरे तरफ से उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे एक बार मिलने का मौका जरूर दें, प्लीज। वेल सर, आई कैन ट्राई। थैंक्स अ लॉट। सॉरी मैम, एक कैंडिडेट आए हैं, नाम है जुल्फिकर। मैंने कहा ना, इंटरव्यूज ओवर, उन्हें अंदर भेज दो। माहौल गर्म है, बट लेट मी गेस व्हाई। कच्चा है। जिस जॉब के लिए मैं आया हूं उसको लेकर आप लोगों में डिफरेंसेस है। कैसे मालूम? मैम, अगर मालूम नहीं होता तो मैं भी औरों की तरह होता, जो कि मैं होना नहीं चाहता। अब मुझे पक्का यकीन है कि यह जॉब मुझे ही मिलेगा। तुम्हें यकीन है? 100%। इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। और मैं ये कहता हूँ मैम कि अगर कामयाबी से पहले कामयाबी का यकीन हो तो नाकामी नहीं होती। बाय द वे, आई एम जुल्फिकार। आदाब मैम। आदाब। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ खास नहीं मैम, बस ये कि मालिक से वफादारी जी जान से निभाता हूँ, बेईमानी नहीं करता, ऊपर वाले से डरता हूँ, और एक ख्वाब दिल में लिए घूमता हूँ जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। अब मौका मिला है तो जरूर करके दिखाऊंगा। तो इसका ये मतलब है कि तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं? अगर जॉब नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस कैसे होगा मैम? तो फिर हम ये यकीन कैसे कर ले कि तुम इस पोस्ट के लिए काबिल हो? देखिए मैम, ये तो हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती, और अच्छा जौहरी वही होता है जो सही हीरे की पहचान कर सकता है। और मैं जानता हूं कि इस वक्त वो निगाहें मुझे परख रही हैं। तुम्हारा अंदाजा सही है। तो फिर मैं ऑफिस कब से ज्वाइन करूं मैम? तुम्हारा ये अंदाज मुझे पसंद है। तुम वफादार हो, ईमानदार हो, ये तो बाद में पता चलेगा। हाँ, इतना समझ गई हूँ, तुम चालाक हो और समझदार हो, हमें तुम्हारे जैसे आदमी की तलाश थी। मैम, फिर चॉकलेट लीजिए प्लीज, प्लीज। ये नौकरी मिलने की खुशी में मैं अपने साथ लेकर आया था। तुम बाहर बैठो, अपॉइंटमेंट लेटर लेकर ही जाना। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये हमारा हर मुश्किल काम आसान कर देगा। अब देखना ये है
कहीं ये काम तमाम न कर दे। अपनी नवासी को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए हैं। दुर्जा ने अपनी बेटी की एक झलक देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे मिली नहीं। देखना, उसकी नवासी भी उसे नहीं मिलेगी। ये मेरी बद्दुआ है। मेरी बद्दुआ की वजह से आज मिर्जा की एक बेटी ने उसकी दूसरी बेटी का घर दो दो बार बर्बाद किया है। पहले जमीर, फिर अक्रम। लेकिन अब रूबी को यह एहसास हो गया कि छीनने से खुशी नहीं मिलती। तुम्हें कब एहसास होगा? मैं किसी की खुशी छीन नहीं रही हूं। जो मुझसे छीना है मैं उसका हिसाब कर रही हूँ। Excuse me, ma'am. Congratulations, ma'am. Congratulations. Burma Industries का contract हमें मिल गया है। वो भी हमारे terms and conditions पर। It's very good. Ma'am, हमें सीधे सीधे 50 लाख रुपए का फायदा है। Very good. इस खुशी के हकदार तुम हो। तुम्हारी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है। सो नाइस ऑफ यू मैम। हीना आपा, ये आपके लिए कोई देकर गया है। क्या है इसमें? कुछ बताया तो नहीं, बोला बस हीना को दे देना, मैं इसे लेकर जाती हूँ। हीना, मैं अक्रम। तुमने मेरी तस्वीर तमाम अखबार में छपा कर बहुत बुरा किया मेरे साथ। मेरे लिए छुपना मुश्किल बना दिया। इसका मैं तुमसे बदला नहीं चाहता, एक सौदा करना चाहता। तुमने अगर मेरा काम कर दिया तो हमारी बच्ची मैं तुम्हें लौटा दूंगा और तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तुम्हें बस इन स्टैम्प पेपर्स पर रूबी के दस्तखत करवाने होंगे। उसने मेरी सारी जायदाद पर धोखे से कब्जा किया है। वो सारी जायदाद मैं वापस चाहता हूँ और सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूं। मेरी बात मान लोगी तो तुम भी अपनी बेटी के साथ सुकून की जिंदगी जियोगी। अब इन पेपर्स पर रूबी के दस्तखत कैसे करवाने हैं वो तुम जानो, मुझे तो अपनी जायदाद से मतलब। और हाँ, पुलिस में मेरे खिलाफ की गई कंप्लेंट भी तुम्हें वापस लेनी होगी। मेरे फोन का इंतजार करना। तुम्हारा अक्रम। मेरा लेटर और स्टैम्प पेपर्स मिल गए तुम्हें? मेरी बच्ची कहाँ है? जहाँ पर भी है महफूज है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। सिर्फ इतना बताओ कि मेहंदी तुम्हें वापस चाहिए या नहीं। हाँ, मैं चाहती हूँ। ये तो मैं पहले से जानता था। एनीवे, इसका मतलब ये कि अब तुम मेरा काम करने से इनकार नहीं करोगे। लेकिन अक्रम, रूबी मेरी बात क्यों मानेगी? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुझे बस मेरे साइन किए हुए पेपर्स चाहिए, उसके बाद ही मेहंदी तुम्हें वापस मिलेगी, वरना कभी नहीं। मेरे अगले फोन का इंतजार करना है।